हेलो आर्ट लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है एक रंगोली ट्यूटोरियल। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रंगोली आज हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या किया है हमने, ये ऐसे इक्विपमेंट्स मिलते हैं मार्केट में रंगोली फिलिंग के लिए, कलर फिलिंग के लिए, तो आप वो ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी ये सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बहुत ही इजी है ये रंगोली। इसमें क्या किया गया है कि सबसे पहले मैंने इसका ड्राइंग बना लिया है। तो टाइल्स पे चौक नहीं काम कर रहा था, तो या फिर ये कर सकते हैं कि आप चौक को गीला कर सकते हैं, फिर आप चला सकते हैं, तो उससे मार्क्स बन जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे वैक्स क्रेयॉन्स जो होते हैं वो यूज़ किया है। तो उसमें मैंने एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर एक छोटा सर्कल, अपने हिसाब से आप साइज़, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि साइज़ अपने फ्लोर या अपने एरिया के हिसाब से आप कर सकते हैं। इसी चीज़ को आप बड़ा भी बना सकते हैं, तो आउटर सर्कल्स पे ज़्यादा नंबर ऑफ सर्कल्स हो जाएंगे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिएगा। बहुत ही सिंपल रंगोली है, दो सर्कल अंदर है, बाकी चारों साइड आठ सर्कल है, तो वो किया हुआ है मैंने। तो अब ये स्प्रिंकलर्स की क्या खासियत है कि इसमें ऊपर भी ढक्कन है, नीचे भी ढक्कन है। नीचे वाले ढक्कन जिस साइड छेद होते हैं उस साइड भी ढक्कन लगा रहता है, उसको आप जस्ट निकालेंगे और नॉर्मल जैसे सॉल्ट को अपन स्प्रिंकल करते हैं वैसे ही इसे स्प्रिंकल करना है। इससे थोड़ी सी प्रिसिशन जो रहता है वो ज़्यादा सही से आप कर सकते हैं। आप हाथ से भी कर सकते हैं, पर उसमें ऊपर नीचे बराबर से नहीं भरता है या टेक्सचर सही नहीं आता उसका, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। बाकी एक जो घर का जुगाड़ है, दैट इज़ कि आप चाय की छन्नी जो होती है, तो मोटी वाली छन्नी यूज़ करना है, जिससे कि ये जो रंगोली के कलर्स हैं वो आर पार हो सके, ठीक है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब अवेलेबल है मार्केट में। तो इसमें मैंने थोड़ा कलर्स स्कीम इसमें ज़्यादा मैटर करती है, आप जितने ब्राइट कलर्स या कलर का कोई थीम बना के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। ये आप जैसे कि देख रहे हैं, ये मैंने दूसरा इक्विपमेंट यूज़ किया है फॉर मेकिंग दोज माउंटेन्स या डॉट्स टाइप की जो चीज़ें मैं बना रही हूँ, इससे लाइंस भी बन जाते हैं। ये एक नोज़ल है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ये करते समय, क्योंकि क्या होता है, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है स्टिक उसके साथ, तो वो कंट्रोल करने में मदद करता है ना, वो ओपन और क्लोज होता है, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए आप पहले, उसके बाद ये चीज़ ट्राई करिए। आप डायरेक्ट रंगोली पे ही मत ट्राई करिए जो आपकी फाइनल रंगोली है, ठीक है। तो फेस्टिव सीज़न है, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा भी ट्राई किया जाए जो आपके लिए हेल्पफुल हो। इसमें बहुत ज़्यादा ड्राइंग और बहुत डिटेल्स नहीं है, जस्ट नॉर्मल सर्कल्स है, वो आप कोई भी प्लेट्स या कोई भी सर्कल चीज़ें लेकर आप अपने हिसाब से ये फिगर्स बना सकते हैं। और ये जो डिज़ाइंस आप देख रहे हैं, वही इक्विपमेंट जो नोज़ल है उसी का यूज़ करके बना रही हूँ मैं, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। आपको हाथ से सही लगे तो आप, अगर जो बन जाए आपसे, तो आप हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, फिंगर्स से पकड़ के आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इजी करने के लिए और टाइम को सेव करने के लिए मैं ऐसे इक्विपमेंट्स को यूज़ कर रही हूँ। तो ये जैसे कि देख रहे हैं, जितने भी सर्कल्स हैं उसको मैंने एक आउटलाइन दिया है, ये डॉट्स बना के, उसमें ये माउंटेन्स हैं छोटे छोटे, एक जगह पे आपको थोड़ी देर तक रुकना है जबकि वो माउंटेन टाइप का रंगोली कलर से नहीं बन जाए, तो अब ये बड़ा छोटा आपके हिसाब से ये चीज़ कर सकते हैं। फिर बाकी मैंने ये उसके लाइन्स बनाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं चारों तरफ मैंने ये चीज़ की हुई है। ये टाइम लैप्स वीडियो है, बाकी इसको थोड़ा सा बनाने में समय लगता है, ये चीज आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें फिर ये आप
से स्मूथली चलाते बनने लगेगा ये इक्विपमेंट। ये ऐसे ही आपको भरना है, जितने भी सर्कल्स हैं उससे डॉट डॉट करके उसको आउटलाइन देना है। अब चाहें तो अंदर पे भी कुछ बना सकते हैं, इन सर्कल्स के जो आउटर सर्कल्स हैं उनके अंदर भी हम कुछ बना सकते हैं। मैंने नहीं बनाया है, जस्ट टू कीप इट सिंपल। आप कलर्स के साथ खेल सकते, कोई जरूरी नहीं आप यही कलर्स यूज करें। मैंने क्या किया है, ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट जो सर्कल है उसमें सेम कलर यूज किया, कलर स्कीम एक यूज की है मैंने। अब देख रहे होंगे ऑरेंज के सामने ऑरेंज है, ब्लू के सामने ब्लू है, येलो के सामने येलो है, जस्ट ऑपोजिट साइड में बीच में पिंक और ये, और यहाँ पे मैंने देवी जी का जो स्टेंसिल होता है रंगोली स्टेंसिल, आप वो यूज कर सकते हैं वहाँ पे बीच में। तो आप गणेश जी का हो वो यूज कर लीजिए, आप जो बाहर बार वाले जो सर्कल्स हैं उसके अंदर भी आप कोई भी जो स्टेंसिल है वो यूज करके उसमें भी आप जस्ट कॉन्ट्रास्ट कलर्स में, अब ऑरेंज के ऊपर अब ऑरेंज स्टेंसिल भरेंगे नहीं, कुछ दूसरा कलर यूज करिए तो सही रहेगा। लास्ट में मैंने क्या किया है कि इसको थोड़ा सा और डेकोरेटिव करने के लिए मेरे पास मिरर्स थे, तो मैंने ये बर्फी वाले मिरर्स जो छोटे हैं वो उसको साइड्स में रख दिया है, जस्ट टू मेक इट मोर शाइनी। थोड़ा सा ये शेप्स भी बन रहा है इससे और ये थोड़ा सा शाइन आ गया आपके रंगोली में। बाकी बहुत इजी है, आपको ये ट्राई करना चाहिए घर पे, बहुत ही सिंपल है। आप बच्चों को लेकर भी ये ट्राई कर सकते हैं, उनके लिए भी ये सिंपल है। तो ये रही हमारी फाइनल रंगोली, देखिए दियों के साथ कितनी प्यारी लग रही है। तो आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा ट्यूटोरियल और आप ये ट्राई करेंगे घर पे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आकांक्षा आर्ट्स स्टूडियो। थैंक यू सो मच।